नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज को आपन को स्वागत करुछि। मु शक्ति साई मिश्र। कटक सहर रे हठात जदि कहार रक्तर आवश्यकता पड़िबो आ तार पूरण करिबो किए, बस्ती पिला मानु को मागणे रे पाठ पढ़ाइबो किए, बक्सी बाजार अंचल रे हस हस मुहरे लोकों को हाथ को चा ग्लास आ पढ़ाई देबो किए, ओडिसा हराइछि तार जणे सुयोग्य संतान को आमे कहुछु पद्मश्री डी प्रकाश राव को कथा। समाजसेवी डी प्रकाश राव आउ नहांती, 20 दिन धरी कोरोना रे संक्रमित होगा पर चिकित्साधीन अवस्था रे तंकर परलोक हो। पद्मश्री डी प्रकाश राव तंकर बाल्य कालरु ही समाज सेवा को निजर जीवन रा व्रत भाव रे ग्रहण करथिले। बस्ती पिला मानकु मागणा रे पाठ पढ़ेबा कथा हो, 40 वर्ष धरी रक्तदान रे नियमित भाव रे रक्तदान करबा कथा हो, बा प्रतिदिन हॉस्पिटल को जाई गरीब रोगी मानकु मागणारे सेमानंकु फल सेमानंकर खाद्य कथा बुझिबा हो। कोनोसी शिल्पपति नथिले, बड़ा प्रतिपत्ति शाली नथिले, तांकर रोजगार थिला गोटे छोट चा स्टल कटक बक्सी बाजार रे, जाकि तांक बापांकर थिला एवं ताकु से पिला बेलु चलाई आसुथिले। से चा स्टल रे जहाँ रोजगार हुए ताकु मागणा पिलांकु तो पाठ पढ़ांती, लोकमानंकर सेवार सेतुकु निज परिवार पई अधा रखि निज रोजगार अधारु अधिक अर्थ से समाज सेवा पई लुटेई दउथिले। जितेबले जे रक्तर आवश्यकता पड़ुला तांको पाखकु जाउथला पहुंची जाउथले साहाय्य करिबा पाई, माने तांकर व्यक्तित्व एते प्रभावशाली थिला खुद प्रधानमंत्री मोदी तांको द्वारा प्रभावित होइथिले। एवं 2018 मसिया रे जितेबले कटक रे एक दलीय समावेश रे जोगदेबा पाई प्रधानमंत्री आसीथिले, सेतेबले निजे भेटीथिले, डकाई पठाइथिले डी प्रकाश राव को, एवं तांकु से मंचस्थल से सभास्थल रे तांकु साक्षात करथिले, तांको पिलामानंकु स्कूल रो पिलामानंकु भेटिथिले, डी प्रकाश रावंक सहित कथा हेथिले। प्रधानमंत्री मोदी तांकर मन की बात कार्यक्रम रे डी प्रकाश रावंक कथा मने पकाइथिले, एवं परवर्ती समय रे 2019 मसिया रे प्रकाश रावंकु पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करा जाइथिला। जनवरी 26 अवसर रे से डी प्रकाश राव ओडिसा रा से सुयोग्य संतान जे गरीब भितरे संघर्ष करुथिले मध्ये समाज सेवा काहाकु भी मना करि नहांती, काहाकु जे साहाज्य न करिछंती, कटक रे बस्ती बासिंदा होंतु गरीब दरिद्र असहाय किए जे प्रकाश रावंकर साहाज्य न नैछंती एंती केहि नथिबे, से प्रकाश राव चली जाइछंती। विश्वजीत दास आम प्रतिनिधि कटक रु अधिक अपडेट पाए सहित जोड़ी होती। विश्वजीत, केतेबेले प्रकाश रावंकर परलोक घटला एवं कौन असुविधा है? चिकित्साधीन थे 20 दिन है आईसीयू रे, कोथिपाई तांकर मृत्यु होला, कौन कहते डाक्टर? भाव में शक्ति निश्चित भाव में कहींपर कटकवासी आज गोटे योग्य संतान को हरई, कारण देखो दीर्घ दिन हम से एसी मेडिकल कोविड वार्ड में चिकित्सा होते हटात आज 4 समय सूचना आसला कि ब्रेन स्ट्रोक होती सीवियर भाव में और मृत्यु होती। निश्चित भाव में कहींपर जे समाजसेवी जे योग्य संतान को कटक सहर हरई, समस्ते गोटे मर्माहत समस्ते दुख प्रकाश करेतु आप जानते डी प्रकाश राव जी थे निश्चित भाव से जे समाजसेवी निश्चित भाव झील अच्छा सहित सीधा आलोचना करवा केत घटना घटला और कौन पूरा घटना था। निश्चित भाव मैडम, केत डी प्रकाश राव को देहांत है आप कौन होता है? डैडी ब्रेन सेकेंड ब्रेन स्ट्रोक होता, कोविड भी ठीक हो जाता, तपर किडनी प्रॉब्लम मेन थी और ब्रेन स्ट्रोक सेकेंड ब्रेन स्ट्रोक जो बहुत वीक हो जाता भितर कौन कर 4:15 थे आगुरी से बहुत वीक थे, डॉक्टर तक बेस्ट ट्रीटमेंट दौले सबकि बहुत भल फैसिलिटी किसी प्रॉब्लम नाला, लेकिन से भितर बहुत वीक होते, डायबिटीज बहुत हाई हो जाता, बीपी हाई हो जाता, अन्य प्रॉब्लम सब थी। दुखर कथा हूँ कोविड समय थे कोविड भल हो जाते आशा था समस्त कि पुणी घर को फेरवे ट्रीटमेंट जेहतु भल होता गोटे आशा था समस्त पुणी डी प्रकाश राव फेरवे पुणी समाज क्षेत्र में अनेक कर्म जो रही करेंगे गोटे दुखर कथा आज बहुत आम समस्त गोटे लस कारण डैडी गोटे एग्जाम्पल थे पूरा आम पाई पूरा सोसाइटी केमते गोटे चावाला गोटे पद्मश्री तार जर्नी स्टार्ट करता गोटे लस आखिया आगे को मुझे कौन करश्चिंत सी पद्मश्री अवार्ड पाइले मोदी पुणी मन की बात में कथा कहते आपते देखुन के बहुत प्राउड फील करी जो गले डैडी को अलग प्रकार सम्मान मिलता सब जगह डैडी को रेस्पेक्ट मिलता और से बहुत ही खाली बाहर जाना पाए से आम पाई एज ए फादर भी से बहुत ही ग्रेट थे तो बहुत बड़ा लस कौन कह
डॉक्टर आपण केतले सूचना देले के बेली घटना आपण केतले जाईले तांकर जो स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति अवनति घटछु बोली केतले जाई 4 दिन हैला मु जानी थिली कना बापा बिल्कुल आखी कोन नथले 4 दिन पूर्व रो डैडी रिस्पोंस करथले डैडी स्कूल चलची पोचटले रिस्पोंस करथले हां कोथले 3-4 दिन पर से बिल्कुल आखी खोलेने ने बिल्कुल रिस्पोंस करलेने तांकर लेकिन सब सैचुरेशन हार्ट बीट सब ठीक थला तापर डी वेंट ऑक्सीजन प्रॉब्लम आसला वेंटिलेशन लागिछि तापर आज 4:15 खबर आसला कि बापा के ऑक्सीजन वेंटिलेटर लागिथला मैडम आपन को मेडिकल थाई मध्ये आपन कोथले ऑक्सीजन स्कूल केम चलची हां मु स्कूल पूरा बरसे हला हमर सब टीचर्स को मे डैडी ब्रेन स्ट्रोक हला पर भी लॉकडाउन रे सब टीचर्स को सैलरी वैलरी स्कूल पिलन खाइवा सब दियाय छी किछि प्रॉब्लम है डैडी सब जगु थले अबे देखिया कोन हो छी मु आगो को केते करि पर अनिश्चित भाबरे सत्य जा सुनु थिले से कहबा कथा के 2-4 दिन हबो तांको स्वास्थ्य अवस्था रे अवनति घटुतला एवं वेंटिलेटर थिले जेहेतु निश्चित भाबरे कोटना कोटी ब्रेन स्ट्रोक रे आज देहांत होई छी निश्चित भाबरे को दोटे बड कथा एतु सूचना मिलिथिला तांको झियो जा कहुथिले से कहबा कथा कि जेहेतु से माने मेडिकल थिले एवं मेडिकल थाई मध्य पचारि बसथिले स्कूल कथा स्कूल ले पिले आछन्दी पढुछन्दी खाइबा व्यवस्था आरंभ कर सब कथा बुझुथिले एतु अनुमान करि परते समाज क्षेत्र रे तांकर केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका थला एवं पिला मान पै से केते सीरियस नैथिले एवं सबबेले पिलांग पै चिंता करथिले सबबेले समाज पै चिंता करथिले एवं कहबा जने चाहा बिकाली से प्रथमे जर्नी आरंभ करथिले चाहा बिकुथिले एवं चाहारु जा तांकर इनकम हुए पिलांग पाठ पढाटो आरंभ करी सब क्षेत्र रे से लगाथे एवं आउडे बड कथा रक्तदानर कथा जेतेबेले रक्तर आवश्यक पडे कटक सर जेकोनिस लोक अचिना लोक हेउ जेतेबेले आवश्यक पडे जेतेले तांकर खबर पहुँचे लोकटी रक्त आवश्यक पड़ी सांगे सांग डी प्रकाश राउत से पहुँची जाती और सांगे सांगे रक्त जोगाड़ कर दिखती निश्चित कौटना कौटे समाज पर अनेक अवदान थिला और कह डी प्रकाश राउत को पद्मश्री अवार्ड मिलता और मन की बात मोदी मन की बात में कथ आलोचना कर निश्चित भाव कही कौटना कौटे कटक सहर कटकवासी आज गोटे योग्य सन्तान घर क्षति सारा देश बहुत बड़ा क्षति निश्चित रूपे कटक सहर तांकर कर्मस्थली थिला एवं कटक सहर बस्ती पिलांकर हो बा कटक सहर दरिद्र असहाय मानकर से सेवा करि आसुथिले लगातार भावरे जे भी तांकर पाखरे पहुंचुथला कोनोसी साहाज्य आशा नै कि काहाकु भी से निराश करू नथिले से सहसहस मुहरे निजर बेउसा बा जोटा चा स्टॉल तांकर चालुथला जे भी जाउथला चा पीबा पई जो ग्राहक जाउथला भी हसहस मुहरे चा कप तांका हाथ को बढ़ाई दउथुले एवं से पिला माने को गोटे प्रकार अनाथ कर देछन्ते जो बस्ती पिला मानकर लगातार भाव में वर्ष वर्ष धरी स्कूल चले आसुथिले एवं तांका झियो जो कथा कहुथिले लॉकडाउन समय रे जेतेबेले बड़ा बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल जेतेबेले एम्प्लॉय मानुको दरमा दे पारु नथिले दरमा काटी दउथुले सेतेबेले प्रकाश राव जे कि चा स्टॉल करिकी स्कूल चलाउथिले से किंतु तांकर जो माने स्टाफ रखिथिले जो टीचर रखिथिले तांकर दरमा केबे बंद करि नाहंती एटा ही तांकर महनीयतार सबुठू बड़ उदाहरण जो कि खोद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित होते जितेबाला कटक आसी 2018 मसीह प्रधानमंत्री मोदी से डी प्रकाश राव को भेटी डाकि सभास्थल को पिला डाकि सहित एत कर्मव्यस्तता भितर भी खोद प्रधानमंत्री समय बाहर करकी प्रकाश राव को भेटी से कथा मन पड़ जाकर मन की बात कार्यक्रम जितेबाला प्रकाश राव कथा आसला सारा देश से जान ला जे भली भी जड़े व्यक्ति रही पारंती जे कि चा स्टॉल करी समाज सेवा करी पारंती एते पिला मागणारे पाठ पढ़ाई पारंती हॉस्पिटल जाई रोगी मानू मागणारे फल मागणारे आहार जोगई पारंती ये ही हूँ महान पद्मश्री प्रकाश राव ये हूँ महानीयता एवं परवर्ती समय 2019 मसीह पद्मश्री सम्मान में सम्मानित करते भारत सरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करथिले पद्मश्री सम्मान रे एवं आज से सुयोग्य संतान को आज राज्य हराई एवं कटक सहर रे कई भी नथिबे जे कि जी प्रकाश राव को संपर्क रे जानी नथिबे बा एभली कोनोसी असहाय बस्ती बासिंदा बा गरीब श्रेणी लोक नथिबे जे कि तांको थारु सहाय्य नै नथिबे विश्वजीत एवं डी प्रकाश राव को पार्थिव शरीर कौटी अच्छी तंकर संस्कार केतेबेले हबो कौन से करा जाए व्यवस्था एवं कौन जो माने रही उपस्थित अच्छा से मानकर प्रतिक्रिया ने कि भाव में डी प्रकाश राव को जानुले एवं केते आघात दे वियोग
देखु एवं आम कहीपर जो एससी मेडिकल जो कोविड वार्ड अच्छी कोविड वार्ड में ही डी प्रकाश राव अच्छा किसी समय पर जहाँ सूचना रही पर लोक संपूर्ण भाव पहुँची सारापर पार्थिव शरीर को बाहर करेतु कोविड वार्ड थे से किसी गाइडलाइन जारी करें कारण से कोविड्रे चिकित्सा होते हैं ब्रेनस्ट्रोक है निश्चित भाव में कौटना कौटी एसब को प्राधान्य दिज्व कि बड़ कथा पर लोक देखिपुर थे पहुँची सारे संपर्क जे आत्मीय जे अच्छा जो जो कहीपर जो मैंने भल पाती समस्त पाने आखि देखिपर छच कांदी पकाचन जेहेतु से हठात जो खबर पाई निश्चित भाव में कौटना कौटी से आश्चर्य हो गले निश्चित भाव में प्रतिक्रिया नाक चेस्टा करी मैडम डी प्रकाश राव आज देहांत होते दुख लगुच कारण यह लोक जड़े समाजपी कर्म कर लोकटी आज ना से तो जाने बहुत भल लोक थे ना समाजपाई से बहुत किसी करला तो आम जी भी जाचु आम जाना भितर से बहुत भल लोक थे भाई लोक पे जड़े आसा बड़ा कष्टर हम समाजपाई से बहुत दुख लगुच हाँ हाँ ना तो जहाँ भी सी आमपाई तो बहुत भल थे ना तो बहुत दुख लगुच निश्चित भाव देखु शक्ति अधिक कहीपर गोटे बड़ कथा दुखर कथा जेहेतु से किसी कही पार ना जेहेतु आत्मीय मैंने रही से सहजे गुड़िक से ग्रहण कर पारना से डी प्रकाश राव आहांती आप जो भी कहते समस्त प्रेरणा साजिद यदि जड़े विशिष्ट व्यक्ति जन कहीपर केवल राज्य नुह अनेक क्षेत्र तांकर सुनाम अर्जन रही अनेक विश्वविद्यालय को जाती सी सब समाजपाई कर्म करने को जो आह्वान दिखती सी गोटे प्रेरणा रही रही आउ गोटे कथा हूँ जड़े पद्मश्री आवार्ड जेहेतु पाई निश्चित भाव में कौटना कौटी जड़े पद्मश्री आवार्ड जी पाई आम हरईचु और केवल कटक सहर नुह राज्यवासी अधिक दुख करेंगे कारण ये जो घटना हटात जो चार्टा समय घटला पर लोक जो सूचना पाइले डॉक्टर ठारु निश्चित भाव में कौटना कौट भांगी पड़ती कहींपर धीरे धीरे मेडिकल परिसर में गहली जमी अनुरोध कर देखे क्यों पर्सन को धीरे धीरे देखो जो शुणिले कटक सहरवासी जो शुणिले डी प्रकाश राव ना समय धीरे धीरे देखो भिड़ जमुची और लोक गहली कले निश्चित भाव में कौटना कौटी से आत्मीयता से समाजपाई कर्म करते से भिड़ बढ़ुची निश्चित भाव में कौटना कौटी आउ कि समय पर पार्थिव शरीर निया घर अभिमुखे निया कारण झील जो भाई सूचना दूसरे परवर्त जो कार्यक्रम गुड़िक रही निश्चित भाव में आलोचना कर जिला प्रशासन सहित आलोचना होश्चित भाव में कौटना कौटी समस्त गोटे प्रकार भांगी पड़ते जो आत्मीय मैंने अच्छा से धीरे धीरे आसी पहुँचुच्च धीरे धीरे एससी मेडिकल परिसर भिड़ जमिले कारण आपत जानते जड़े समाजपाई कर्म कर लोकटी जड़े चाहा बिकुवा लोकटी जिते बड़े पद्मश्री आवार्ड पाई जिते बड़े कौटना कौटी पूरा भारत वर्ष चर्चार विषय होता है और पद्मश्री आवार्ड राष्ट्रपति ग्रहण करते से जो चाहा बिकाली टू जितेबाला कहींपर जितेबाला जो जो पैसा इनकम करा जाए जो जो पैसा इनकम करके पाठ पढ़ाती पिला मागणारे मागणारे रक्त संधान ठू आरंभ कर सबकि से पिला करती जहाँ झीले कहते से मेडिकल थी बेले समय से पचारि बुझुते स्कूल कि भी चली पिला खाऊँच के सब ठीक ठाक चली कि ना ये अनुमान करेंगे से लोकों के संवेदनशील थे लोकों समाजपाई के काम करते निश्चित भाव में कौटना कौटी आज जो हरई कटक सहरवासी निश्चित भाव में दुख प्रकाश करेंगे राज्यवासी दुख प्रकाश करेंगे से भली लोक जो अपूर्ण क्षति आउ से कहीपर गोटे प्रकार अपूर्ण क्षति घटी शून्यस्थान पूर्ण आईपर ना निश्चित भाव में कहीपर आ कि समय पर जिला प्रशासन समस्त सदस्य ठू आरंभ कर अनेक नेता मंत्री आसबे जहाँ सूचना रही से कौट की निजी कौट अंतिम संस्कार कर सविशेष तथ्य आउ टे समय पर मिले अनुमान कर शक्ति विश्वजीत डी प्रकाश रावंकर ये परलोक सारा राज्यपाई सारा देशपाई ये हूँ गोटे बड़ क्षति एभली व्यक्तित्व आउ समाज रे कहीं मिले ना एभली विरल व्यक्तित्व जो भली भाव सारा जीवन समाजपाई उत्सर्गीकृत थिला पिलाटी बेलू से समाज सेवार व्रती होते जहाँ में शुणीचु जे तांकर इच्छा थिला से पाठ पढ़े डाक्तर हे किंतु समाज सेवा निशा एमती घारी आउ से आग को पाठ पढ़े बा डाक्तर हे से स्वप्न को भूली समाज सेवार ही मातिगले से चास्टल को निजर
बेउसा भाव में वृत्ति भाव में रखी एवं मुख्य उद्देश्य था समाज सेवा करवा प्रति क्षेत्र में प्रत्येक कार्य निजक से नियोजित करते गरीब असहाय तल श्रेणी जो मैंने लोक रही सबुब साथी हो रही सेमानकर सुख दुख रे जाई पहुंची जाउथले डी प्रकाश राव एवं समस्तंकर आशा थिला जेतेबेले कोविड रे चिकित्साधीन थिले एवं कोविड रे बहुत लोक बहु अधिक वयस्कर लोक मध्य भल होइकी आसुछंती एवं समस्त आशा करथुले से मध्य सुस्थ होई जिवे एवं पुणी थरे घर को फेरिबे समाज सेवा रे पुणी थरे लागी जिवे एवं आम पुणि थे फेरिया विश्वजित पाखक जो मैंने भल पाते से लोक मैंने आज जो खबर शुणी आसी एसीबी मेडिकल परिसर में पहुंची और प्रतिक्रिया जानवा विश्वजित जो मैंने आज उपस्थित अच्छा ये खबर शुणी आसुँ कौन से कहते जान आम नल से खेलाखेली करूँ तरप पाठ पढ़िया कौन जाणी अबिका प्लस थ्री पास करके अच्छी आज्ञा कि नहीं सी आम कही दुर्गा भलरे पढ़े भलरे पढ़े किंतु बहुत कष्ट आज्ञा बहुत कष्ट आम थिलु से आमको सबू बाट देखले सब बाट देखे कि आमको छाड़ी पलैले के कम कौन माँ बापा टू अधिक सी आमको देखी माँ बापा टू अधिक कौन कहबी विषय आमको जीवन शिखेंट सी असुविधा कहतुनि भाई असुविधा कौन कह हेल्प मान कहतुनि जीवन देखेले सी आमको हेल्प कौन हेल्प किसी नुह जीवन देखेले आमपाई सी पट पाठ शिखेले सी आमको खबर तो यही दीटा तीन टा बेलू शुणी कष्ट कौन कह आजा कह निश्चित भाव में शक्ति जहाँ शुणुते समस्त मन में दुख अच्छी से कहवा कथा आमको बाट देखें डी प्रकाश आम बुलूल पाठ कौन जाणी नुलु आमुक पाठ पढ़ाई सी आमको मनीष कर सी कि आज जितेबाद नहाँ निश्चित भाव में दुख प्रकाश कर जो स्टूडेंट मैंने दृश्य देखे ये हूँ स्टूडेंट मैंने देखिए पहुँची जितेबाद शुणिले डी प्रकाश राव नहांती निश्चित भाव में छात्र मैंने जो मैंने पढ़ुंस कह कथा आमको बाट देखें डी प्रकाश राव आम बुलूल किसी जाणी नुलु पाठ कौन कितु बाट देखें सी आज प्लस थ्री पढ़ुंस कितु गोटे कथ कह डी प्रकाश राव देखा अधर छाड़ी चली गए दुख करेतु से कहवा कथा कि आमको आगे पाठ पढ़ेब किए आई आमर ना सरीगला बापा माँ अधिक डी प्रकाश राव करुते कितु जदि जो अधा बाटू छाड़ी चली गला आम भविष्य कौन है मत प्रश्न पचार निश्चित भाव में कौट ना कौट डी प्रकाश राव को ये समाजपाई काम करवा और समाज क्षेत्र में जो पे अच्छा असहाय पिला से साय करवा सबू को देखा जदि डी प्रकाश राव सब प्रति लोकर भरोसा थाए कि डी प्रकाश राव कति गले कि मोपाई साय करेंगे और से डी प्रकाश राव सब परिचित था कह गोटे स्कूल अच्छी आश्रम अच्छी से पिला रुहती पाठ पढ़ती मगणार सब पाठ पढ़ा जाए निश्चित भाव में कौटना कौट जो पिला से आसिकी एस सी मेडिकल पहुँची गले जेहेतु शुणिले जितेबले नहांती डी प्रकाश राव निश्चित भाव आम सहित अच्छा आम सहित डॉक्टर आसिले निश्चित भाव में प्रतिक्रिया जयंत पंडा सर भुवन पखापाखि कोड़े दिन तले आमे पद्मश्री डी प्रकाश राव को एससीबी कोविड हॉस्पिटल रे एडमिशन करथिलु सेतेबेले से कोविड पॉजिटिव थिले आउ आपण माने जानिछन्ति से गत वर्ष मध्य एडमिशन हेथिले ब्रेन स्ट्रोक रे तांको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर थिला और ब्रेन स्ट्रोक जोगु से भल भाव चली पार नथिले पक्षाघात रोग थिला आउ से आम चिकित्सा ही थिले एसीबी चिकित्सा रे थिले और तांकर रक्तचाप आउ डायबिटीज कंट्रोल रे थिला तो कोविड पॉजिटिव हला परे से आस्ते आस्ते अवश्य ही पड़े और आम एडमिशन करथिलु पाखापाखि 20 दिन पूर्वरु आउ चिकित्सा रे से संपूर्ण भाव रे कोविड रु आरोग्य लाभ करथिले कोविड परीक्षा मध्य हेई से नेगेटिव आसी जाइथिला तो दुखर कथा जे से आउ गोटे स्ट्रोक डेवलप कले जोटा कि गोटे मेजर स्ट्रोक थिला आउ हॉस्पिटल तरफ आम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी रिमाटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंडोक्रिनोलॉजी सबु डिपार्टमेंट रो प्रोफेसर आउ फैकल्टीज को नहीं कमिटी कराई थिला जी तांकु चिकित्सा करुथिले आउ आज हठात
तांको सेचुरेशन फॉल कला परे से वेंटिलेटर लगा जाइथिला वेंटिलेटर चिकित्सा रे थिले किंतु दुखर कथा आज 4:15 रे से शेष निश्वास त्याग करचंती से एससीबी कैंपस रे अनेक सेवा कार्य करचंती प्रत्येक डाक्टर को आ मेडिकल स्टूडेंट को रोगी मानन को पई से काम करचंती जहां हमें गत 3-4 दशंधि देखी धरी देखी आसीचू हमें ईश्वर को पाखरे प्रार्थना करचू तांकर आत्मार सद्गति पई और तांको आदर्श रे निश्चित रे से सबुबले मते चिन्हुतले जेतेबेले आमे राउंड रे जाउथलु जदियो आमे पीपी पिट किट पिंधि जाउथलु तामुक चिन्हिबा कष्ट थिला से मो सोररु बारी पारुथले मु जले कहिबी राव से नमस्कार सर स्पोंटेनियसली कहि दउथले काहेकि ना से निजे मो साथे एते वर्ष हलाणी एसोसिएटेड थिले जेबेठु राधानाथ स्वास्थ्य सहायक केन्द्र रे काम करथले से हजार हजार रोगी उपकार करचंदी तो से समय रे मो मुझे कोरापुट रे थिली कोरापुट चाकरी रे थिली सेतेले सांग देह खराब होई एडमिट हेतला मो आसी तांगु देखी थिली आउ से समय रो तांगु चिकित्सा फॉलोअप आमे एठी करथुलु तो मुझे जाई डाकी देबी से अचेत है कि सोइथिबे ऑक्सीजन चली थिबो रावबु कहले से हठात चमकी के सार सार नमस्कार उठी जाउथले आउ आज आज प्रथम थर पर से आ डाकिले भी उठिले हमको बहुत खराब लगिला यह राज्यपाई देशपाई गोटे बड़ लॉस से जड़े समाज सेवक थिले जड़े पद्मश्री थिले ओडिशा पाई गर्व थिले आ एसीबी कैंपस गोटे चलती आदर्श थिले मु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची ईश्वर पाखे प्रार्थना करुच्ची आत्मार सद्गति परिवार को संवेदना जनाऊँ आमे तांको रखी पारले किंतु तांको आदर्श बंची रहिबो अनेक युवक तांको आदर्श रे अनुप्राणित हेबे आ तांकर बाणी तांको कार्य अनेक को अनुप्राणित करिबो और सबुदिन पई से एई कैंपस रो युवक मानन पई राज्य पई और देश पई तांको वार्ता और तांको जीवन धारा उज्जीवित हे रहिबो देश राज्यपाई गोटे बड़ लॉस कही पार कि गोटे बड़ कथ हो जोबले जयंत पंडा जी प्रोफेसर अच्छे मेडिसीन रे कह कथा कि जोबले स्वास्थ्य अवस्था उन्नति घट ना से सका कथबार्ता बंद कर देते हठात जो खबर पाइले निश्चित सीजे जेहेतु चिकित्सा करते सी अति दुख प्रकाश करश्चित भाव में कहींपर कौटना कौटी जो घटना घटला पूरा देशपाई गोटे ओडिशार गर्व जेहेतु सी पद्मश्री पाई निश्चित भाव में कौटना कौटी पुराने क्षति कहींपर आ गोटे बड़ कथ हो देखो आत्मीय मैंने पहुँच हठात धीरे 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 आसिक पहुँचुंत भिड़ जमुच निश्चित भाव में कौटना कौटि से लोकप्रिय थी से समाजपी कम करते जेहेतु से आसिक धीरे धीरे पहुँचले समस्ते दुख प्रकाश कर आखिरी लुह रोनी कारण जो कथा कहला डी प्रकाश रावर जो स्कूल था अनेक पिला छात्र पढ़ुते एसी मेडिकल गोटे सहायक राधानाथ सहायक केन्द्र जितेबाला जी असहाय लोक आसने से साय करती डॉक्टर जयंत पंडा कहते हैं निश्चित भाव कौटना कौटी से मूल लक्ष्य था लोक को साय करवा लोक कम करवा जो असहाय लोक अच्छा कम करवा सब मूल लक्ष्य था कि बड़ कथ होतेबाला आज मृत्यु घटे समस्ते गोटे दुख प्रकाश समस्त भांगी पड़ते क्या आखिरे लुह रोना निश्चित भाव में कौटना कौटि ये गोटे बड़ क्षति कहींपर शक्ति बहुत बड़ क्षति खाली बड़ क्षति नुहे बहुत बड़ क्षति स्थल राज्यपाई डी प्रकाश राव से पिला मानंकर कोह ही यह प्रकाश करुची जे डी प्रकाश राव केमती थिले केवल एतिके पिला नुहंती हजार हजार पिला को मनीष करिछंती केवल से शिक्षक नथिले बा स्कूल रा मुख्य भाव रे नुहे तांकर बापा माँ भली थिले जो कथा पिला माने बयान करथुले एवं डाक्टर जयंत पंडा जो कथा बयान करथुले जे पूरा एससीबी कैंपस तांकु झुरीब कारण जो असहाय रोगी आसुले जहाँ पाखे कहीं भी नथिले सहायता पाई गोटे सहायता हाथ आसुला दी प्रकाश राव आसी पहुँचुले दिन हो राति हो 24 घंटा सी निजक समर्पित करते असहाय गरीब लोक मान सेवार एसबी कैंपस असहाय पिला पाठ पढ़ा कथा हूँ से पाने जी कहते मटी खेलुले धूली में गढ़ुले मत आने मनीष कले मुझ प्लस 3 पढ़ी स्कूल से पिला पाठ पढ़ले मगणारे पाठ पढ़ाते पिला तो ये थे डी प्रकाश राव जितेबले एसीबी चिकित्सा पाई भर्ती होते कई आशा करें अंत यह भाव में हम बोली कोविड रु सुस्थ हो जाते जहाँ डॉक्टर जयंत पंडा जहाँ बयान करुले किंतु परवर्ती समय आउ गोटे ब्रेन स्ट्रोक्र शिकार हेले जहाँकि मृत्यु मुख को टाणी नहीं
ଏବଂ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ, ନିଜେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏଭଳି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହରରେ ଏମିତି ଜଣେ ବି ରହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ, ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାହିଁ, କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବଳରେ ଚା ଷ୍ଟଲ୍ଟିଏ କରି ସେଇଥି ରୋଜଗାରରେ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା, 40 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆସୁଥିଲେ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ଯାହାର ବି ରକ୍ତର ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, କେହି ନିରାଶ ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା ଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପକାର, ଏ ଅଭାବ ବା ଏ କ୍ଷତିକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ବି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କର ବିକଳ୍ପ କେହି ବି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କଟକ ସହରରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ, ଏତେ ଡେଡିକେସନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ଏ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଆଉ କେହି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଟକ ସହର, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଝୁରୁଛି, କେବଳ କଟକ ସହର ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶର ଯେଉଁଠୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଅସହାୟ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। କୌଣସି ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନଥିଲେ, ସିଏ ବହୁତ ପଇସାବାଲା ନଥିଲେ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନଥିଲା, କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଭିତରୁ ବି ଜଣେ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜଣେ ଯାହାର ମନୋବଳ ଦରକାର, ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଭିତରେ ବି ହିଁ ସମାଜସେବା କରିପାରିବ। ପରିବାରକୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ ସି ବି ପରିସରରେ, ତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସିଏ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ବା ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନଥିଲେ, ସିଏ ବାପା ମାଆ ଭଳି ଥିଲେ, ଏ କଥା ଛାତ୍ରମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜଣେ କେବଳ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ, ସେ ପିଲାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଚାହା ବିକୁଥିଲେ, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ସେବା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଇନକମ୍ ହୁଏ ଚାହା ବିକ୍ରି କରିବାରୁ, ଯେଉଁ ଦୋକାନଟି ରହିଛି ସେଠୁ ଯାହା ଇନକମ୍ ହୁଏ, ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅନେକ ସେ ମାଗଣାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଘରୁ ଡାକିକି ନିଅନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ସେ ଛାତ୍ରମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲୁ, ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ପାଠ କ'ଣ, ଆମକୁ ଡାକିକି ନେଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଆଜି ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡି ପ୍ରକାଶ ଚାଲିଗଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଏସ୍ ସି ବି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ, କାହିଁକିନା ଆଦର୍ଶଗତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲି, ଆମେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପରେ ବି ସେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମ ଡାକ୍ତର ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ ସି ବି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ। ଏସ୍ ସି ବିର ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସେବାର ଉଦାହରଣ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ଆଉ ବ୍ରେନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ରିକଭର୍ କଲେନି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିଅର୍ ହେଲା, ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ବୃକକ୍, ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେଲା, ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କମିଲା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେନି, ଓ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:15 ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସାର୍, ସେ କେବଳ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ନଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆକୁ କେମିତି, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରିବେ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥାଇ ବି, ଗରିବ ପରିବାରରୁ ହେଇଥିଲେ ବି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ପାଇଁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି,
ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ନଥିଲା, ସେ କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧାନ ବିଚିତ୍ର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିଲେନି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଏସ୍ସିବିରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏହି ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏକ ଆଦର୍ଶର ଉଜ୍ଜଳ ବର୍ତ୍ତିକା ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମନେ ରହିବେ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ରକ୍ତ ଅଭାବ ଥିଲା ତାକୁ ରକ୍ତ ଦେଉଥିଲେ, ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅସହାୟ ଥିଲା ତାକୁ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରାଯାଏ କି ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଥିଲେ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଏକାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଏ କାମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ହେଉ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଡକାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରୁହ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହ। ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନଥିଲେ, କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟମାନେ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ସିନା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଅସହାୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସେ ଚାଲିଗଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଝୁରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିପାରିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାଲି ସକାଳେ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି, କେତେ ସିଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏବଂ କହିପାରିବା ହୃଦୟଶୀଳୀନ ଲୋକ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି? ଏମିତି ତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖି ଆସି, ସେ ରାତି ନିଜ ଘର ଲୋକ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ବରଂ ଯିଏକି ଆସି ବାହାର ଲୋକ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ରାତି ଅଧାରେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ରହିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ବୁଝିକିନା ଆସିକିନା କେଉଁଠି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ଅତି ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ସେମିତିଆ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଭାଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାହା ବିକୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ, ଚାହା ବିକିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାରିଟା ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ ସେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ଅଛୁ ଛୋଟବେଳେ ସେ ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ନିଜେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲି, ମୋତେ ନେଇ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ମଣିଷ କଲେ, ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ କରିକି ଅଛି ମୁଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କହିବା ବେଳେ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସାର୍ ଶିର ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି, ସେ ଦିନ ଭାବୁଛି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ, କାଲି କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, କାଲି ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଆଜି ଦେଖିଲା ଆଖି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ସ୍କୁଲଟା ପିଲା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ଅଛି, ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍, ତା ବି ତ ଆଉ ଭାବିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲେ, ସେ ଗଲେ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା କାମ ସରିଲା ପରେ ଘରେ ବସିକି ଆମେ ଯାହା କଥା ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତୀଜା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ବି ନିଜେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି, ମାଟ୍ରିକ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛି, ସେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆପରେ କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କି ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ ବୋଲି?
ତାଙ୍କର କାଲି କାଳିପଦାରେ ହବ, ସକାଳେ 8:30 ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆ ହବ। ସେ କହିଲେ ତମେ କେମିତି ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେବୁ। କେଉଁଠି ହବ? ମୁଁ କହିଲି କାଳିପଦାରେ, ଯେ ଆମର ସେଠି ନିୟମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଘରେ ରହିବ, ରାତି ସାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ହଁ ଯା ଶୁଣିଥିଲେ ସତୀ କି କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ରାତିରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଘରକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଘରେ ରଖାଯିବ। ତାଙ୍କର ଯାହା ବିଧି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଯାହା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାଲି ସକାଳେ କରାଯିବ ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ସେ କହିବା କଥା କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କର କାଳିପଦା ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ, ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କର ଯିଏ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ କାଳିଆପଦା ଶ୍ମଶାନରେ, କଟକର ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ, ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମାନ କିଛି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହକଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯିବ, ବକ୍ସି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବାସଭବନ, ଏବଂ ସେଇଠି ରାତି ସାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବା କଥା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତ ବହୁ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଆଜି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟର, ତାଙ୍କର ମୁରବୀ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସାରା କଟକ ଆଜି ଝୁରୁଛି ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଦେଶ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଛି। ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେ କେବଳ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବ, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଆଜି ସାରା ଦେଶ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତ ସମୟ ହେଉଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।